नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम जनाई। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। उत्तर भारत में मनाए जाने वाले आस्था और समरसता का महापर्व छठ महापर्व का आयोजन इस बार हनुमान कैंप के पीछे साबरमती नदी के किनारे इस प्रोग्राम आयोजन किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष राजू सिंह राजपूत के सानिध्य में इस बार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दिनांक 2 को शाम में ढलते हुए सूरज का अर्घ दिया जाएगा और दिनांक 3 को सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। सभी मित्रों को साथ यहाँ छठ आयोजन कर लें। राजू भाई, यहाँ मेहमान कौन कौन आने वाले हैं? यह सब नेता हैं, IAS IPS हैं, जनरल पब्लिक है, सब आने वाले। राजू भाई, यहाँ छठ व्रती कितने आने वाले हैं? लगभग 5-6 हज़ार आते हैं, तो भी प्लस कर दो कि फिर पब्लिक और थोड़ा और ज़्यादा आने वाली है, क्योंकि यहाँ का जो कामकाज है थोड़ा यंग लड़के लोग ने थोड़ा अच्छा काम किया है, तो उसका देख के पब्लिक भी खुश हो रही है और पब्लिक सिटी थोड़ा ज़्यादा हो रही है। कितने दिन से यहाँ काम कर रहे हैं? हम लोग 10 दिन से काम कर रहे हैं। कितनी आपकी टीम लगी हुई है? हमारी टीम 20 आदमी है। सभी सब साथ में कर रहे हैं? सब मिलकर कर रहे हैं। ये प्रोग्राम में छठ है क्या, क्या होता है छठ? छठ तो यही है कि सूर्य देव का माना हुआ एक त्यौहार है। लेडीज लोग का बहुत ही सुंदर है। ये है संजय भाई, यहाँ के कार्यकर्ता। संजय जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, छठ क्या हम लोग देखते क्यों मनाते हैं और कैसे मनाते हैं? सबसे छठ की हमारी विशेषता है कि हम बिहार का फेमस फेस्टिवल है, और डूबते हुए सूरज को जो हम पूजा करते हैं, डूबते और उगते दोनों, उगते को दोनों को हम लोग मतलब वो इसमें वो अर्घ देते हैं, उगते सूरज को सब पूजा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए छठ के लिए तो मोदी जी ने भी बहुत ही हमारा मान सम्मान बढ़ा दिया है। मोदी जी ने बहुत ही छठ का एक अच्छा सा वो किया है। आभारी मोदी जी के, बहुत हम आभारी हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना वित्तीय आ सकता है आ सकते हैं, उसके लिए बहुत ही रहने का सुविधा है, खाने का सुविधा है, बहुत ही प्रोग्राम अच्छा हमने रखा है।